फर्स्ट पेपर की वेक्टर की एमसीक्यूज करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखें कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किस एंगल पे इक्वल होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड थीटा जीरो पे, 90 पे, 120 पे या 60 पे। तो याद रखो मेरे भाई कि ए प्लस बी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 90 पे, 90 जिसे रेडियन में पाई बाय टू भी लिख सकते हैं। एक और वैल्यू पर भी थीटा की या एंगल की इक्वल होता है 270, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 270 नहीं था सिर्फ 90 था, तो ये आंसर है। 270 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, जहन में रखे, 3 पाई बाय टू। नर्स के पास पेपर वेक्टर के टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यूज और आई हैं। एक ये एमसीक्यूज बहुत आ चुकी है और ये सर नर्स के पेपर में नहीं, डॉ के हर यूनिवर्सिटी के पेपर में, कि अगर F1, F2 और रिजल्टेंट बराबर हो, यानी दो फोर्सेस और उनका रिजल्टेंट इक्वल हो, तो उनके दरमियान में एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। तो मेरे भाई और से देखो कि एक ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 0। तो याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आई है और बार बार आती है कि F1 F2 अगर रिजल्टेंट के बराबर है तो थीटा 120 है। एक और एमसीक्यूज है कि F1 F2 अगर F के बराबर है और इनका रिजल्टेंट 2F के बराबर है। गौर से सुनो, F1 F2 आपस में बराबर हैं F के, और रिजल्टेंट इनका का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फोर्सेस से डबल है, यानी 2F। तो ऐसी सूरत में थीटा किसके इक्वल होगा मेरे भाई, 0 के। नर्स के पूरे पास पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को स्टार्ट से देखते रहें, तो जो जो आपके काम की वीडियोस हैं, नर्स वगैरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इन सब की वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन की। एक और चैनल भी है मेरा, सर अमीन एप्टेकिंग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।